तो सभी ड्राइवर भाई देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश परवाड़ा पार्किंग है और यहाँ पे लोड गाड़ियाँ खड़ी हैं और खाली करके भी ड्राइवर सब खड़ा कर दिए हैं। कोई भी ड्राइवर गाड़ी लोड करने नहीं जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं अभी विशाखापट्टनम परवाड़ा में हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया, और ये सब गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको। गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, कोई भी ड्राइवर मतलब लोड करने नहीं जा रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं क्योंकि ये जो नया नियम लागू हुआ है इसे कोई ड्राइवर मानेगा नहीं, तो इसीलिए कंपनी से जो ऑर्डर आ रहा है। तो 1 जनवरी है आज, नया साल है, नए नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा पार्किंग में कितना गाड़ियाँ है। कम से कम 1000-1200 गाड़ी है यहाँ पे जो कि लोड करने नहीं जा रहे। सकते हैं ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत गाड़ी है यहाँ पे। तो अभी सब ड्राइवर गाड़ी खाली अनलोड करके, जिसका अनलोड नहीं हुआ अनलोड करके यहीं पे खड़ा कर देंगे, और कोई भी लोड करने नहीं जा रहा है। तो सभी बातचीत कर रहे हैं गांव जाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग भरा हुआ है गाड़ियों से, और कोई भी ड्राइवर गाड़ी मतलब लोड करने नहीं जा रहा है। तो दिखाते हैं आपको पार्किंग पूरा। ये गाड़ी यहाँ पे परवाड़ा आंध्र प्रदेश, एक टैंकर है और बॉडी गाड़ी। कोई भी मतलब गाड़ी कंपनी में लोड करने के लिए ड्राइवर नहीं जा रहा, सारा गाड़ी खड़ा कर दिया है। और हाईवे भी बाहर जाम है, आपको दिखाता हूँ। वो मेन हाईवे है, तो जो गाड़ियाँ लोड हैं वो अपना खाली करके खड़ा कर देते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपको आगे दिखाते हैं आगे क्या होता है। जगह जगह पे हाईवे तो बंद है, आज तलौजा में भी स्ट्राइक है ड्राइवर का, और सोलापुर हाईवे है, तो कई हाईवे बंद हुए हैं। और कानून अगर ये वापस नहीं होगा तो पूरा भारत बंद होगा फिर। तो चलते हैं, अभी खाना बना के खाते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं पूरा सामान अपना रख लिया हूँ, और कितना टाइम लगेगा देखेंगे। ये अपना गाड़ी में पूरा सामान रख लिया है ख़रीद के, क्योंकि अभी कितने दिन गाड़ी रोड पे नहीं चलेगा पता नहीं, क्योंकि ये जो नया नियम है ट्रक ड्राइवर का, जब तक ये वापस नहीं होगा गाड़ियाँ रोड पे नहीं चलेंगी। तो अभी जो चल रही हैं वो भी खड़ी हो जाएंगी। तो अभी चलते हैं खाना बना के, थोड़ा खा लें, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, ये खाना बन रहा है अपना, आलू मटर का सब्जी बना रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा राशन रखा हुआ है, उस्ताद हैं, और आप लोग देख सकते हैं गाड़ियाँ 1500 गाड़ियाँ हैं पार्किंग में, बहुत बड़ा पार्किंग। तो सब गाड़ी ला के मतलब लोडिंग के लिए कोई नहीं जा रहा है, इधर ही खड़ा कर दिए हैं। तो अभी खाना वाना बन जाएगा फिर यहीं पे देखेंगे, क्योंकि गाड़ी रोड पे तो चल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सब्जी अपना पक चुका है और अभी रोटी बन रहा है। तो अभी खाना बनने के बाद अभी खाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे शाम को मार्केट। तो फ्रेंड्स, से उस्ताद हैं अपने कंपनी के ड्राइवर हैं, तो अभी हम लोग साथ में ही खाना बना रहे हैं और खाना खा पी के आराम करेंगे, और फिर उसके बाद शाम को फिर सब्जी, फिर वही बनाना खाना, क्योंकि गाड़ी तो लोड होगा नहीं जब तक ये सब क्लियर नहीं होगा। रोड पे जाएंगे तो अपना मतलब जान देना है वही। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी शाम के 6-7 बज रहे हैं, और यहाँ पे पूरा अपना चालू हो गया प्रोग्राम, खाना बनना शुरू हो गया है। तो आज मुंबई में भी चक्का जाम था, और भंडारा और गुजरात सोलापुर, तो कई जगह गाड़ियाँ मतलब पूरा खड़ा कर दिए। तो अभी हम लोग गाड़ी में ही हैं क्योंकि देख रहे हैं क्या होता है, 2-4 दिन रुकेंगे और उसके बाद अगर नहीं कुछ होगा तो फिर घर जाएंगे। ये सब ड्राइवर हैं, सब लोग
कोई भी गाड़ी गया नहीं, बहुत सारा गाड़ी अभी खड़ा है पार्किंग में, और खाना बन रहा है अभी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं खाना अपना पक रहा है यहाँ पे, और 8 बज गया है। तो आज जो स्ट्राइक था ट्रक ड्राइवर का, और आज भंडारा नागपुर और इसको क्या बोलते हैं अलीगढ़ और बॉम्बे हाईवे और मुंबई में भी कई जगह मतलब चक्का जाम था। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट मतलब सुन के भी अनदेखा करेगी तो इसके बाद भी ड्राइवर मतलब जो अभी थोड़ा दो चार गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं वो भी पूरा स्टॉप हो जाएगा। और कानपुर भारत पेट्रोलियम जो टैंकर हैं सभी ड्राइवर मतलब आज गाड़ी खड़ा किए थे चक्का जाम, और अभी मतलब कंटिन्यू रहेगा 10-5 दिन। तो बस यही कहना चाहता हूँ जो ड्राइवर रोड में चल रहे हैं वो भी मतलब साथ दे और गाड़ी खड़ा कर दे अपना, क्योंकि ये नियम वापस होगा तभी सही है, और नहीं तो मतलब ऐसे गाड़ी चलाने से मतलब नहीं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।